सो आज मैं आपको इस वीडियो में HP TET HP TGT के मध्य जो है वो डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि HP TET क्या चीज़ है और HP TGT क्या चीज़ है, ठीक है। कौन कौन जो है इनको करवाता है, कौन सा जो है विभाग इनको करवाता है, इन एग्ज़ाम्स को करवाता है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं आपके लिए ये यूट्यूब चैनल पे जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे जो है ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और मैं आपको इसमें हर एक चीज़ बताऊँगा HP TET और HP TGT से संबंधित, ठीक है। तो अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे द्वारा एक बायोलॉजी का बैच जो है वो चलाया जा रहा है। ये शाम को 3 बजे जो है मेरी जो है लाइव सेशन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बायोलॉजी का बैच कोड आपको सबसे पहले याद रखना है कि B2QFI, ये कहाँ पर चल रहा है आपका, जीके ट्रिक ऐप के अंदर चल रहा है। लाइव सेशन इसका बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं तो आपको पेड करना पड़ेगा। पहले मैंने इसका जो प्राइस रखा था वो 450 रुपीज़ रखा था, लेकिन अभी जो है ये आपका 200 रुपीज़ कर दिया है मैंने, करीब करीब 15 तारीख तक, 15 जो है तारीख तो है, तारीख तक जो है मैंने ये 200 रुपीज़ कर दिया है, उसके बाद ये वापस 450 रुपीज़ का हो जाएगा। तो आप इसको परचेज़ कर लीजिए, जो आपका जो स्ट्रीम है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे बायोलॉजी का स्ट्रीम वाले जो हैं इस कोर्स को परचेज़ करें, बाकी नहीं करें, ठीक है। HP TET TGT आर्ट्स के जो नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे स्टोर सेक्शन में मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे आपको HP TET TGT आर्ट्स के। 220 रुपीज़ जो है इनका प्राइस मैंने रखा है। चाइल्ड साइकोलॉजी के नोट्स भी आपको यहाँ पर 200 रुपीज़ में मिल जाएंगे, इसका भी जो है आपको स्टोर सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। टेट मेडिकल और TGT मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 30 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये आप जो है डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ बैच में एनरोल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप जो है एक सीरियस कैंडिडेट हैं जीके ट्रिक ऐप के या फिर HP TET HP TGT के, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कीजिए, ये नोट्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और एक एक करके जो है उसमें से जो है टॉपिक जो है वो चूज़ करके बताइए। और एक चीज़ ये भी बतानी है कि आपको क्या चाहिए, HP TET में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उनके वीडियोस जो हैं आपको कौन से चाहिए, HP TGT आर्ट्स में जो आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए, जो आर्ट्स वाले सेशन वाले हैं वो मुझे बताएं ज़्यादातर कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो चाहिए, जो मेरे वीडियोस में आप देखना चाहते हैं क्या क्या आपको चाहिए, आर्ट्स वाले मेरे को बताएं। बाकी बायोलॉजी वाले जो हैं वो यहाँ पर एनरोल कर लें, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सब कुछ करवाता हूँ, ठीक है। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 200 रुपीज़ में, ठीक है। और यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये चीज़ याद रखनी है कि एक एक वीडियो जो है डेली जो है वो डाल दिया जाता है मेरे द्वारा, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे वीडियो की ओर कि यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको HP TET HP TGT के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि जो HP TET है वो हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। जैसे आपका सेंटर में CTET होता है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी तरह से हिमाचल में अगर टीचर बनना है आपको तो टीचर बनने के लिए पहले आपको एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। एक होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का टेस्ट, ठीक है। उस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर से जो है आपको किसी भी स्कूल में जो है नियुक्ति मिलती है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो, लेकिन इस एग्ज़ाम को देने के लिए पहले आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो HP टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एक तरह से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है अध्यापक की जो है पात्रता देखी जाती है, क्या देखी जाती है, पात्रता देखी जाती है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना है कि ये टेस्ट जो है वही आदमी देता है जिसने BEd की होती है, ठीक है, BEd की होती है या वो थर्ड सेमेस्टर में होता है BEd के, वही जो है इसके लिए एलिजिबल होता है। BEd कंप्लीट इसके लिए होनी चाहिए वैसे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर वाला भी जो है वो दे सकता है इस एग्ज़ाम को, ठीक है। तो यहाँ देखिए टीचर टीन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लायक जो है आप तब होते हैं जब आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी जो है क्वालिफाई करते हैं और TGT का टेस्ट भी जो है वो क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी कि TET जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है, कितनी बार होता है, साल में 2 बार होता है, ठीक है। और
एक बार भी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपको 7 साल की वैधता मिलती है। और वैधता कैसे दी जाती है, आपको वहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप जो है इस सर्टिफिकेट के थ्रू जो है टीचर एलिजिबल हो चुके हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का टेस्ट देने के लिए। ठीक है, उस सर्टिफिकेट की वैधता कितनी होती है, वो 7 साल होती है। लेकिन अगर अभी जो है जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आया 2020, अगर वो हिमाचल में लागू हो जाती है, जैसे ही नया सेशन बैठता है तो अगर वो हिमाचल में लागू हो जाती है तो ये जो टेट की वैधता हो जाएगी वो लाइफ टाइम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी इसकी वैधता क्या है, वो 7 साल ही है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया कि ये बीएड वाले ही दे सकते हैं। और अगर किसी ने बीएड में तीसरे सेमेस्टर में है, ठीक है, कोई व्यक्ति, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ कि हिमाचल में एचपी टेट कौन जो है कंडक्ट करवाता है, वो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, एचपी बोर्ड जो है धर्मशाला जो है वो कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आप देखते हैं एचपी टीस्टिक कमीशन क्या है, ये कमीशन बोलते हैं इसको। अब कमीशन कौन जो है निकालता है, वो आपका HPSSC निकालता है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकालता है। जैसे सेंटर में SSC होता है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसी तरह से ये स्टेट का जो है हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है, वही जो है आपका HPTGT कमीशन जो है करवाता है। और इसी कमीशन के थ्रू जो है आपको किसी ना किसी स्कूल में नियुक्ति मिलती है, अगर आप ये कमीशन जो है वो क्वालिफाई करते हो। ठीक है, तो HPTGT देने के लिए पहले आपका क्या क्वालिफाई होना चाहिए, वो आपका HP टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और HP टेट देने के लिए आपकी BEd कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, या आपको थर्ड सेमेस्टर में जो है पूरा का पूरा जो है HP टेट देना चाहिए, यानी कि HP टेट देने के लिए आप एलिजिबल कब होते, थर्ड सेमेस्टर में। लेकिन अगर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना है तो आपकी वहाँ पर BEd पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस आपका HP टेट भी कम जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो HPTST की परीक्षा है वो मेडिकल संकाय में भी दी जाती है, जिसमें आपका कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, PCB आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। नॉन मेडिकल संकाय में भी दी जाती है, PCM आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, और आर्ट्स में भी दी जाती है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स आता है, और हिमाचल जी की आती है। ठीक है, और आपका संस्कृत में भी दी जाती है ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर परीक्षा। ठीक है, इसमें आपका संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं और जीके क्वेश्चन आते हैं, और भाषा अध्यापक यानी कि लैंग्वेज टीचर यानी कि हिंदी के लिए भी जो है ये परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, हिंदी के टीचर के लिए। तो HP टेट और HPTGT से संबंधित मैंने ये थोड़ी सी आपको जानकारी दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और जानकारी दूंगा इससे रिलेटेड। तो जो भी आप HPTGT की तैयारी कर रहे हैं या HP टेट की तैयारी कर रहे हैं आर्ट्स वाली, तो मुझे वो अपने अपने टॉपिक्स जो हैं बता दें कि आपको क्या क्या चाहिए टॉपिक्स में। ठीक है, और ये नोट्स जो है वो परचेज़ कर लें, क्योंकि आपके लिए ही मैंने ये बनाए हुए हैं, तो इसको परचेज़ कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी क्वालिफाई करने में, HP टेट और TGT आर्ट्स को क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो अभी के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।